हेडिंग रहेगा हमारा एरोमेटिसिटी, लिखिए एरोमेटिसिटी, यानी हमारा मेन टारगेट है कि कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है इस चीज को समझना। ठीक है, हो ये रहा था कि लगभग वही जब हम रेजोनेंस को पढ़ रहे थे तो हमारे सामने कुछ ऐसे कंपाउंड आए जो बहुत ही ज्यादा धुआं देते हुए जल रहे थे, समझना बात को, यानी उनको जलाने पे बहुत ज्यादा धुआं निकल रहा था, बहुत ज्यादा, ठीक है ना, स्मोक बहुत ज्यादा था, यानी कहीं ना कहीं ऐसे कंपाउंड क्या थे, हाईली अनस्टेबल या स्टेबल, स्टेबल। तो मैं फिर आपके साथ हूँ कि जब कोई कंपाउंड बहुत ज्यादा स्टेबल होगा तो वो क्या करेगा, जलने को मना करेगा, जबरदस्ती जलाओगे क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जलना तो थोड़ा बहुत रहता ही है नेचर में, तो वो क्या होगा, प्रॉपर कंबस्ट नहीं होगा, और जब प्रॉपर कंबस्ट नहीं होगा तो इसका मतलब वो कंपाउंड क्या है, बहुत ज्यादा स्टेबल है। तो यहां से हमारे पास वर्ड्स निकला और वो था हमारे लिए एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो जब पेट्रोल खनिज यानी कि जो मिनरल ऑयल थे हमारे वो निकलने लगे तो उसमें सबसे पहले पेट्रोलियम गैसें थी, बहुत तेजी के साथ जलती थी, फिर उसके बाद पेट्रोल हुआ वो भी जलता था, डीजल है वो भी बहुत तेजी से जलता था, लेकिन नीचे जब तारकोल जिसे आप डांबर वगैरह बोलते हो ये बहुत धुएं धुआं निकालते हुए जलते, यानी स्मोक निकालते हुए जलते थे, इसका मतलब इसके अंदर ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो स्टेबल हैं और इस कारण वो जलना इतना आसानी से नहीं चाहेंगे और इसीलिए स्मोक है। तो उनमें सबसे बड़ा कंपोजिशन था हमारे पास बेंजीन का। तो ये है बेंजीन, पहली बार इसकी स्ट्रक्चर सामने आई। रेजोनेंस होना एक अलग बात थी, उसे हम सोच रहे थे स्टेबिलिटी बहुत बढ़ेगी, लेकिन यहां तो कुछ ज्यादा ही स्टेबिलिटी बढ़ रही थी, और ड्यू टू वेरी हाई स्टेबिलिटी, ड्यू टू वेरी हाई स्टेबिलिटी, तो ड्यू टू वेरी हाई स्टेबिलिटी वी नीड ए न्यू कंसेप्ट, वी नीड ए न्यू कंसेप्ट एंड दैट इज ए रेजोनेंस, दैट इज ए रेजोनेंस। तो इसका नाम मुझे रेजोनेंस विद एरोमेटिसिटी। यानी मेरा पूरा ध्यान गया कि यार रेजोनेंस होना एक अलग बात है, लेकिन रेजोनेंस के साथ अगर कोई ऐसा कंसेप्ट ऐड कर दिया जाए जिससे इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा बताई जा सके, वो था एरोमेटिसिटी। इज दैट क्लियर? यानी रेजोनेंस होने से स्टेबिलिटी बढ़ती है, लेकिन उसके साथ अगर एरोमेटिसिटी भी अटैच हो जाए तो वो बहुत ज्यादा अच्छी रहती है। समझ में आ रहा है? पक्का? तो ये हमारे पास एरोमेटिसिटी है। नेक्स्ट, कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी आए थे जिसपे रेजोनेंस था लेकिन फिर भी वो हाईली अनस्टेबल मिले, हाईली अनस्टेबल यानी ऐसे कंपाउंड बनते ही नहीं थे। हमने खूब कोशिश की कि ये कंपाउंड हमारे को रूम टेम्परेचर पर मिल जाए, फॉर्म हो जाए, लेकिन नहीं मिल रहे थे। तो इस तरह के कंपाउंड्स में हमारे पास था ड्यू टू वेरी हाई अनस्टेबिलिटी, वी नीड ए न्यू कंसेप्ट, हमें न्यू कंसेप्ट मिला और इस कॉल्ड एंटी एरोमेटिक। हमने इसका नाम दिया एंटी एरोमेटिक, यानी रेजोनेंस से तो स्टेबिलिटी बढ़ती है, फिर यहां ऐसा क्या कारण रहा कि ये कंपाउंड तो हाईली अनस्टेबल है, एंड दिस टाइप ऑफ कंपाउंड नॉट एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर। यहां दूसरा पॉइंट था, दिस टाइप ऑफ कंपाउंड नॉट एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे ये मिलते ही नहीं थे।
मुझे दिमाग में आया एक केस रेजोनेंस, एक केस रेजोनेंस, दोनों ही केस रेजोनेंस। तो यहाँ पर रेजोनेंस के कारण स्टेबिलिटी उम्मीद से ज़्यादा हो रही है, यहाँ रेजोनेंस के कारण स्टेबिलिटी उम्मीद से कम हो रही है। तो ये हमारे लिए एक चर्चा का विषय रहा, यानी डिस्कशंस पॉइंट रहा। तो पॉइंट ये रहा कि कहीं ना कहीं यहाँ जो बॉन्डिंग हो रही है वो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल से यूज हो रही है, जबकि यहाँ बॉन्डिंग हो रही है वो बॉन्डिंग ऑर्बिटल से हो रही है। ये एमओटी थ्योरी के बाद चालू हुआ, उससे पहले तो हम वीबीटी में तो सभी जगह ऐसा कुछ था नहीं कॉन्सेप्ट्स। तो ये बॉन्डिंग की एक बहुत अजीब सी थ्योरी है। इट मींस इन अबव कंपाउंड्स, बॉन्डिंग ऑर्बिटल आर एंटी बॉन्डिंग। मॉलिकुलर ऑर्बिटल मॉलिकुलर ऑर्बिटल एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल एक हो गया, बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल एक हो गया, एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। मतलब हम जब इस तरह के कॉन्सेप्ट पढ़ने लगे कि बॉन्डिंग से स्टेबिलिटी बढ़ती है, लेकिन जब हमें कुछ ऐसे कंपाउंड्स मिले जहां बॉन्डिंग होने से स्टेबिलिटी उल्टा बढ़ नहीं रही है, कम हो रही है, तो हमें एक ही नया कॉन्सेप्ट दे दिया कि इस जगह बॉन्डिंग ऑर्बिटल नहीं यूज हो रहे, इस जगह एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल होते हैं, जिस कारण इस तरह से बनने वाले कंपाउंड्स अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, लेकिन फिलहाल तो सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये कंपाउंड स्टेबल है या अनस्टेबल है। अनस्टेबल हुआ तो हम बोल देंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, और स्टेबल हुआ तो मॉलिकुलर ऑर्बिटल, बोलना आसान है, समझ में आ रहा है। लेकिन कैसे पता चलेगा ये स्टेबल है या अनस्टेबल, यानी कुल मिला के हमें कुछ और पॉइंट्स की भी जरूरत होगी। तो हमारा डिस्कशन यही कहेगा हाउ कैन वी डिसाइड बॉन्डिंग ऑर्बिटल एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ये भी हमारे पास है। तो फाइनली हमारे पास अभी तक तो यही रहा कि एक नॉर्मल रेजोनेंस से ज़्यादा स्टेबल है ये, और एक नॉर्मल रेजोनेंस से काफ़ी कम स्टेबल है ये, समझ में आ रहा है। रेजोनेंस हो लेकिन एंटी बॉन्डिंग वाला ना हो, रेजोनेंस हो अच्छा है, और रेजोनेंस हो विद एरोमेटिसिटी हो बहुत ही अच्छा है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास ये आ रहा था। तो अगला टॉपिक था कि हाउ कैन वी डिसाइड एरोमेटिसिटी इज प्रेजेंट इन गिवन मॉलिक्यूल। लेकिन उससे पहले हमें इस तरह के मॉलिक्यूल मिलने लगे, बेंजीन, एंथ्रासीन, नेफ्थालीन, इन सब में हमें एरोमेटिसिटी दिखाई दे रही थी, और हमने इनको एरोमेटिक कंपाउंड कहना शुरू कर दिया विदाउट एनी थ्योरी। जो कंपाउंड मिल रहे हैं ऑब्वियसली, जिनका नाम है कॉमन नेम और काफ़ी स्टेबल है, वो तो एरोमेटिक होंगे। जो कंपाउंड मिलेंगे ही नहीं, उनका नाम क्या रखेंगे, जो पैदा होगा उसका नाम रखेंगे, तो इनके कोई कॉमन नेम नहीं होते, समझ में आ रहा है, क्योंकि ये बनते ही नहीं है। बस हाँ, हम ये जरूर जानना चाहते हैं कि ये क्यों नहीं बनते, इस पर डिस्कशन हमारा रहेगा। तो अगला टॉपिक क्या रहेगा, हाउ कैन वी डिसाइड ए गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज एरोमेटिक और नॉट। तो लिखिए, हटा दिया जाइए। तो यहां आपने जब टेबल बनाया, एक तरफ एरोमेटिक लिख लीजिएगा और एक तरफ एंटी एरोमेटिक लिख लीजिएगा। तो हम सब अपनी अपनी थ्योरी देने लगे बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग के लिए, और क्या कहते हैं एरोमेटिसिटी एंटी एरोमेटिसिटी के लिए, समझ में आ रही है बात। तो कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक कब होता है, तो हेडिंग डलेगा हाउ कैन डिसाइड गिवन कंपाउंड इज एरोमेटिक
ये हमारे लिए पहला पॉइंट है। तो आप कैसे चलेंगे? आप सबसे पहले चेक करेंगे कंपाउंड इट साइक्लिक और नॉट। तो कंपाउंड क्या होना चाहिए? कंपाउंड शुड बी साइक्लिक, साइक्लिक कंपाउंड को सबसे पहले चेक करो, साइक्लिक होना चाहिए उसका एक पार्ट, जरूरी नहीं है होल कंपाउंड। एक पार्ट भी अगर साइक्लिक हो गया तो हम चेक करने लेंगे। पार्ट ऑफ कंपाउंड एनी वन, एनी वन पार्ट ऑफ कंपाउंड शुड बी साइक्लिक। समझ में आ रहा है? तो पूरे बहुत बड़ा कंपाउंड है उसमें एक पार्ट साइक्लिक हो तो भी काम चल जाएगा। फिर उसके बाद साइक्लिक वाले पार्ट में हमें यह देखना है, क्या देखना है कि कंप्लीट डीलोकलाइजेशन है या नहीं है। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले साइक्लिक पार्ट, एंड साइक्लिक पार्ट शुड बी प्लेनर, शुड बी प्लेनर, यानी वो जो पार्ट है जहां पर साइक्लिक है वो प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर होना चाहिए इसका मतलब ऑल एटम्स ऑफ साइकिल आर एसपी और एसपी टू हाइब्रिडाइज, एसपी और एसपी टू हाइब्रिडाइज होने चाहिए। सही है? एसपी थ्री नहीं चलेंगे। जरूरी नहीं है वो सारे एटम कार्बन हो या ऑक्सीजन हो या नाइट्रोजन हो, कोई भी हो, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए? एसपी या एसपी टू, बस ये दिमाग में बिठा के चलना है। यानी साइक्लिक पार्ट शुड बी प्लेनर, ऑल एटम्स ऑफ साइकिल, साइकिल बाहर वाले कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने लिखा है ऑल एटम्स ऑफ साइकिल, साइकिल लिखा है ना कि मैंने ऑल एटम लिखा है। ऑल एटम्स ऑफ साइकिल आर एसपी और एसपी टू हाइब्रिडाइज्ड। सही है? अब एसपी और एसपी टू हाइब्रिडाइज हैं तो कहीं ना कहीं उनमें क्या होगा? रेजोनेंस तो होने के चांसेस है। नेक्स्ट, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन होना चाहिए, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन। तो मैंने डीलोकलाइजेशन तो देख ही लिया वैसे ही, तो कंप्लीट डीलोकलाइजेशन होने के साथ ही अगला पॉइंट ये तो है, अब हमारे पास होना चाहिए डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन जो एटॉमिक ऑर्बिटल में होंगे। एटॉमिक ऑर्बिटल ही डीलोकलाइज होता है, तो यहां हमारे पास होना चाहिए एक और टोटल इलेक्ट्रॉन, टोटल डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एटॉमिक ऑर्बिटल। इन फॉर्म ऑफ पाई बॉन्ड और लोन पेयर। फॉलोज की जगह हम लिख देते हैं आर लोन पेयर, आर टू सिक्स टेन फोर्टीन दस। यानी हमारे पास डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? टू सिक्स टेन फोर्टीन। तो ये हमारे पास होने चाहिए टू सिक्स टेन फोर्टीन, यानी एस पी डी एफ जैसे इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। याद करने के लिए लिखा है एस पी डी एफ, लेकिन अगर आप इसकी वो बनाना चाहते हैं, क्या इसके लिए फॉर्मूला लिखना चाहते हैं, तो आपके पास कितना हो जाएगा? टू एन प्लस, देखिए एन की वैल्यू वन रख जीरो रखते ही टू हो जाएगा, एन की वैल्यू आप अगर टू रखते हो सिक्स हो जाएगा, एन की वैल्यू आप थ्री लगते हो थ्री सिक्स, तो क्या हमारे पास टेन हो पाएगा? नहीं। तो हमारे को क्या बनाना पड़ेगा? यहां पर ध्यान से
एन प्लस टू, देखिए एन की वैल्यू जीरो रखते ही टू, वन रखते ही सिक्स, टू रखते ही टेन, थ्री रखते ही 14, बिल्कुल सही जा रहे हैं हम। तो हमारे पास इस जगह क्या आ सकता है हमारे पास कि 4n+2, कोई डाउट? इतने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, और ये सब चीजें हो गई तो हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम, कि गिवन कंपाउंड जो भी है, गिवन कंपाउंड इज एरोमेटिक, गिवन कंपाउंड इज एरोमेटिक। तो सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे एरोमेटिसिटी के लिए, कंपाउंड साइक्लिक है, बाकी बातें बाद में। सबसे पहले अगर यही नहीं हुआ तो हम आगे जाएंगे ही नहीं, रास्ता ही चेंज कर लेंगे, ठीक है? साइक्लिक है, साइक्लिक पार्ट शुड बी प्लेनर, यानी कैसे पता चलेगा, ऑल कंपाउंड आर, ऑल कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन सल्फर जो भी एटम है आर sp और sp2 हाइब्रिड। फिर कंप्लीट डिलोकलाइजेशन होना चाहिए, ऑब्वियसली जब sp sp2 है तो कहीं ना कहीं उनके पास कंप्लीट डिलोकलाइजेशन भी होगा, टोटल डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन 2, 6, 10, 14 हो, ठीक है? और जैसे ये सब चीजें हमारे पास आ गई तो गिवन कंपाउंड इज एरोमेटिक, कोई डाउट? ये है कंपाउंड इज एरोमेटिक। अगला पॉइंट है कंपाउंड कैसे पता चले एंटी एरोमेटिक है, कंपाउंड इज एंटी एरोमेटिक का पता कैसे चले, एंटी एरोमेटिक जो कि मैंने आते ही आपको बताया कि ऐसे कंपाउंड बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होते हैं, तो इसके लिए कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले पार्ट या एनी वन पार्ट ऑफ कंपाउंड शुड बी साइक्लिक, मतलब हमें यहीं तक तो बराबर ही जा रहा है, साइक्लिक पार्ट शुड बी प्लेनर, ऑल एटम्स ऑफ साइकिल आर sp और sp2 हाइब्रिडाइज्ड, सही है? नेक्स्ट कंप्लीट डीलोकलाइजेशन होना चाहिए, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन, तो यहां तक तो ऐसा लग रहा है कि हम एरोमेटिक की तरफ ही जा रहे हैं, लेकिन लास्ट लाइन हमारी चेंज होने वाली है, टोटल डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दिस, इसके बाद हम देखेंगे टोटल डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन, डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ, प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ पाई बॉन्ड और लोन पेयर, आर किस तरह से होंगे, 2, 6, 10, 14 की जगह हम लेंगे 4, 8, 12, 16, यानी आप खुद ही देख लीजिए कि आपके पास कितने हो जाएंगे ये 4n, सीधा सीधा फॉर्मूला हो जाएगा 4n, वो 4n+2 था, ये क्या हो जाएगा 4n, हाँ या ना, क्लियर है कंसेप्ट? तो ये हमारे पास 4n हो जाएगा, और फिर उसके बाद हमारे पास आएगा गिवन कंपाउंड, गिवन कंपाउंड इज एंटी एरोमेटिक, अगर ऐसा हुआ तो, मतलब इन दोनों में अंतर यह है कि यहां sp(df) वाले इलेक्ट्रॉन है, यहां sp(df) के अलावा वाले इवन नंबर वाले इलेक्ट्रॉन है। देखिए इवन में दो तरह के हो गए, एक जो 4n+2 को फॉलो करे और एक जो सिर्फ 4n को फॉलो करे, क्या इसके अलावा इवन में कोई पॉसिबिलिटी है? नहीं। तो अब बचे कौन से, ऑड इलेक्ट्रॉन, ऑड इलेक्ट्रॉन वाले कहां जाएंगे, नॉन एरोमेटिक में, ठीक है? तो इनमें से कोई भी रूल ब्रेक हुआ तो कंपाउंड क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। तो हाउ कैन वी डिसाइड गिवन कंपाउंड इज एरोमेटिक, हाउ कैन वी डिसाइड गिवन कंपाउंड इज एंटी एरोमेटिक, दोनों चीज पता चल गई। हाउ कैन वी डिसाइड
नॉन एरोमेटिक, अगला पॉइंट। तो यहां हमारे पास ये लिखने के बाद एक की पॉइंट डालेगा हमारे पास, और वो रहेगा इसके लिए कंपाउंड इज एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, कंपाउंड इज एंटी एरोमेटिक, सॉरी नॉन एरोमेटिक। कब बोल सकते हैं नॉन एरोमेटिक? सिंपल सा है, कंपाउंड अगर एरोमेटिक नहीं है, एंटी एरोमेटिक नहीं है, तो वो क्या है? नॉन एरोमेटिक। इफ कंपाउंड इज नॉट एरोमेटिक एंड नॉर एंटी एरोमेटिक, देन इट विल नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। ये हमारे पास कंपाउंड इज नॉन एरोमेटिक के डेफिनेशंस बन गई। एनी वन डाउट जो भी हमने कहा है? ठीक है, तो ये हमारे पास कंपाउंड की पहचान हुई कि ये कंपाउंड जो एरोमेटिक है नॉन एरोमेटिक है कैसे डिसाइड करेंगे। तो बहुत आसानी से मैंने बता दिया। तो ये जो पॉइंट था, पहली बार मैंने जो बोला SpDf जैसे इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ये बात किसी ने हकलाते हुए कह दी, तो उसको हमने नाम दे दिया हकल रूल। समझ में आ गया? तो हकल रूल क्या कहता है? इसी चीज को हकल रूल भी यही कहता है, लेकिन हकलाते हुए कहता है। बाकी मैंने बिना हकलाए कह दिया, तो आपको समझ में आ गया। तो अब आप लिख लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए हकल रूल। ये सबने लिख लिया अच्छे से, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो लिख लीजिए हकल रूल। हेडिंग डालेगा आपका हकल रूल, लिखिए। क्या कहेगा ये हकल रूल? लैंग्वेज इजी है, वही है, ए साइक्लिक, ए साइक्लिक कंप्लीट डीलोकलाइज्ड, डीलोकलाइज्ड कंपाउंड हैविंग फोर एन प्लस टू डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन साइक्लिक के बाद प्लेनर भी लिखना पड़ेगा। साइक्लिक प्लेनर कंप्लीट डिलोकलाइज्ड कंपाउंड हैविंग फोर एन प्लस टू डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एरोमेटिक एंड हैविंग फोर एन इलेक्ट्रॉन, फोर एन डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एंटी एरोमेटिक। एक और पॉइंट उसने कहा, पहला पॉइंट स्टेबिलिटी ऑर्डर, ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑफ कंपाउंड ही लिख लीजिए, सबसे ज्यादा एरोमेटिक होंगे, फिर नॉन एरोमेटिक, फिर
और फिर बहुत ही कम होंगे एंटी एरोमेटिक। तो उसने ये इस तरह से बताया, जो कि आसान लैंग्वेज ही है, आप समझ सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो हक्कल रूल ने जब ये बताया कि कौन सा कंपाउंड कैसे आप बता रहे हो, तो आपके लिए बहुत सही रहा। आप किसी भी कंपाउंड को एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक बताने में कैपेबल हो अब। तो प्रैक्टिस करते हैं। हमें कुछ कंपाउंड्स के ऊपर कमेंट करना है कि गिवन कंपाउंड इज एरोमेटिक और नॉट, कैसे पता लगाएंगे। शुरू करें तो हम कैटेगरी में डिवाइड करते हैं कुछ कंपाउंड्स की, जिनके एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक में बताना आसान होता है। फर्स्ट, सिंपल नॉर्मल कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स। सेकंड, कार्बन बोरोन बेस्ड कंपाउंड्स। थर्ड, कार्बन नाइट्रोजन बेस्ड कंपाउंड। फोर्थ, कार्बन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कार्बन नाइट्रोजन मिक्स टाइप एटम्स। सब पे हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और एरोमेटिसिटी का पता लगाएंगे। ठीक है, तो अगला टॉपिक हमारा यही रहेगा जो आपके साथ है, कि हम कैसे पता लगा रहे हैं कि गिवन कंपाउंड एरोमेटिक है। वो तो हमने कर ही लिया, लेकिन अब प्रैक्टिस हमारे पास कंप्लीट होगी, तो चलिए करें, लिखें। कर रहे हैं, शो द नेचर ऑफ एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक ऑफ द कंपाउंड। गिवन कंपाउंड किस तरह से होंगे। ठीक है, इसमें भी हम केस कंसीडर कर रहे हैं। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट में क्या है, ओनली कार्बोहाइड्रेट, ओनली कार्बोहाइड्रेट। वो हो सकते हैं न्यूट्रल, पॉजिटिव और नेगेटिव, साइक्लिक कंपाउंड, कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड। यानी कार्बोहाइड्रेट का मतलब कोई मेरे नाइट्रोजन, बोरॉन, सल्फर, फास्फोरस नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आपके पास क्या रहेगा इसके अंदर, ऑल ओपन चेन, ऑल ओपन चेन या चेन कंपाउंड्स आर एरोमेटिक, आर सॉरी नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। ये दिमाग में शुरू से ही बिठा के चल लेना, पक्का। जैसे ही कोई आपको कंपाउंड मिला एग्जाम्पल में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे ही कंपाउंड आपको ऐसा मिला, ये मिला, इस तरह का मिल रहा है, कोई भी कंपाउंड मिले, साइक, क्या इनमें रेजोनेंस है? बहुत सारों में है, बहुत सारों में नहीं भी है, लेकिन ये सारे ओपन है, और ओपन कंपाउंड जितने भी मिलेंगे आपको वो सारे क्या होंगे, नॉन एरोमेटिक। तो पैदाइशी ये नॉन एरोमेटिक है। नॉन एरोमेटिक के लिए मैंने एन ए साइन लिया है, तो ये ऑल आर नॉन एरोमेटिक। बहुत सारे ऐसे हैं जिनमें रेजोनेंस है, होने दो, लेकिन रेजोनेंस होना ही एरोमेटिसिटी नहीं बताता, साइक्लिक भी होना चाहिए। ऑल ओपन चेन कंपाउंड्स आर नॉन एरोमेटिक। समझ में आ रहा है? यहां तक तो आप सोचो ही मत, ये सारे कंपाउंड्स हमारे लिए क्या हो जाएंगे, नॉन एरोमेटिक। ये भी हमारे लिए नॉन एरोमेटिक है। तो किसी भी तरह का दिखे, अगर आपको कंपाउंड्स ओपन में दिख गया, कहीं पे भी साइकिल नहीं बनी, तो आप क्या बोल दोगे, नॉन एरोमेटिक, भले वो आपके पास कैसा भी कंपाउंड हो, तो आपके पास क्या बोलोगे, नॉन एरोमेटिक। इज दैट क्लियर? कोई डाउट नहीं है?
तो ये सारे कंपाउंड आपके लिए क्या है, नॉन एरोमेटिक। दूसरा की पॉइंट, फर्स्ट की पॉइंट क्लियर है, लिख लिया आपने साथ के साथ, साइक्लिक देखो नॉन एरोमेटिक लगाओ। अगला पॉइंट, साइक्लिक है लेकिन कंप्लीट डिलोकलाइजेशन नहीं है, केस सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसको लिख लीजिए आप साथ के साथ, सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए आ रहा है, कंपाउंड इज साइक्लिक बट नॉट कंप्लीट डिलोकलाइजेशन, नॉट कंप्लीट डिलोकलाइजेशन, कंपाउंड साइक्लिक है लेकिन कंप्लीट डिलोकलाइजेशन नहीं है, आर नॉन एरोमेटिक, आर नॉन एरोमेटिक। आप देखते ही उनको नॉन एरोमेटिक कर दीजिए, कंप्लीट डिलोकलाइजेशन नहीं कैसे दिखेगा आपको, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले मैं, यानी उनके अंदर कहीं ना कहीं एक कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होगा, समझ में आ गया, ये sp3 हाइब्रिडाइज है, दो हो गए, दो कार्बन sp3 है, तीन हो गए आपके पास, चार, ये सभी आपके पास इन सब में रेजोनेंस है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, यहां सब बहुत जगह रेजोनेंस दिखाई दे रहा है आपको, लेकिन क्या आपको ये नॉन एरोमेटिक दिख रहे हैं? हाँ, ये सभी कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है, Na नॉन एरोमेटिक, ये सभी कंपाउंड आपके अगेन नॉन एरोमेटिक चले गए। सेकेंड की पॉइंट आपका इंतजार कर रहा था, बिल्कुल सही था, हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, हम यहां पर भी चले गए, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हमने यहां पर छोड़ दिया, ये हमारे पास कार्बन छोटा हुआ है, ये सभी हमारे लिए क्या हो रहे हैं, एक तरह से नॉन एरोमेटिक, भले वो ये सब एक दूसरे ही जैसे ही हैं, आप कोई भी एक बना लीजिए इसमें, लेकिन मुझे बताने के लिए आपको बताना पड़ा, समझाने के लिए कि ये सब नॉन एरोमेटिक है, इसमें ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, इसमें यहां sp3 हाइब्रिडाइज है, यहां sp3 हाइब्रिडाइज है, तो कंप्लीट डिलोकलाइजेशन तो दिख ही नहीं रहा, यहां पर sp3 हाइब्रिडाइज है, यहां पर sp3 है, यहां पर sp3 है, यहां तो दो दो sp3 है, यहां पर ये कार्बन sp3 है, एक भी कार्बन अगर आपको sp3 दिख गया साइकिल के अंदर, यहां कौन सा कार्बन है, ये sp3 है, तो साइक्लिक कार्बन एक भी sp3 दिख गया तो आपको क्या कहेगा, क्या कहना चाहेगा, नॉन एरोमेटिक, नॉन प्लेनर भी हो गया, बिल्कुल सही कहा, sp3 नॉन प्लेनर है, और नॉन प्लेनर होने की वजह से हमारे लिए नॉन एरोमेटिक भी हो गया, तो ये सारे कंपाउंड हमारे क्या है, Na,
एने का मतलब नॉन एरोमेटिक, आपको पता चल गया। अब लड़ाई किसकी आ रही है, साइक्लिक भी हो गया। हाँ बेटा, हाँ कार्बोहाइड्रेट गलत लिख दिया, हाइड्रोकार्बन ही लिखना था, बात एक ही है वैसे, मीनिंग थोड़ा सा सही है, ओनली हाइड्रोकार्बन। कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीजन भी आ जाएगा, हाइड्रोकार्बन, ओनली हाइड्रोकार्बन, यस और नो? तो क्या ये समझ में आ गया आपको? अब अगला हटा दूं मैं, सेकंड पॉइंट भी क्लियर है। थर्ड, अगर हम बात कर रहे हैं यहां पर कि कंपाउंड हमारे पास है और हमारे पास कंप्लीट डिलोकलाइजेशन भी है, साइक्लिक भी है और प्लेनर भी है, और क्या हो रहा है हमारे लिए, वो सारे कंपाउंड में 4n+2π इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है ना? कंप्लीट, अब हम एग्जांपल ले रहे हैं, कंप्लीट, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंप्लीट डिलोकलाइजेशन, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन साइक्लिक प्लेनर कंपाउंड। तो हम कैसे देखेंगे, हैविंग 4n+2π इलेक्ट्रॉन बोल दो, या पाई इलेक्ट्रॉन क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि है तो वो डीलोकलाइज, पाई इलेक्ट्रॉन आर एरोमेटिक। तो एग्जाम्पल शुरू करते हैं यहां से, बताइए यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन, जल्दी से बोल दीजिए, 2π इलेक्ट्रॉन, ई का मतलब इलेक्ट्रॉन है, पक्का? तो बताइए ये कंपाउंड एरोमेटिक होगा या नॉन एरोमेटिक, एरोमेटिक, एरोमेटिक यानी AR लेंगे हम, सही है। दूसरा एग्जाम्पल, अगर मैंने यहां पर थोड़ा सा और ले लेता हूं मैं, 4πn इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन आर एरोमेटिक एंड हैविंग 4n πn इलेक्ट्रॉन आर एंटी एरोमेटिक, तो बताइए क्या यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है, पाई, माइनस का मतलब कार्बन पे, माइनस का मतलब एक लोन पेयर, और वो रेजोनेंस में है, समझ में आ रही है बात? तो वो रेजोनेंस में है, ये आप सबको समझ में आ रही है। तो यहां पर ये कंपाउंड में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, जल्दी से बोल दो, 2π या 4π, 4π इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो भी रेजोनेंस में आएगा, और वो रेजोनेंस में आएगा तो वो क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक को AA लिख रहे हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक ये कंपाउंड क्या है, नॉन एरोमेटिक, अब क्या है ये, नॉन एरोमेटिक, SP3 है, अब क्या है ये, नॉन एरोमेटिक, क्यों, SP3, अब क्या है ये, एरोमेटिक, बिल्कुल सही जा रहे हो, क्यों, क्योंकि 2π इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं आपके पास, और 2π इलेक्ट्रॉन आपको किस, क्या बनाएंगे, एरोमेटिक, कंप्लीट डिलोकलाइजेशन हो गया। ये जो प्लस है ये एम्प्टी ऑर्बिटल को शो करेगा, ये प्लस है एम्प्टी ऑर्बिटल को शो करेगा, हाँ या ना? यहां मैंने प्लस लगा दिया और यहां मैंने माइनस लगा दिया, तो बताइए कंपाउंड क्या हो जाएगा, 2+0+2, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4π इलेक्ट्रॉन, तो बताइए कंपाउंड क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक, क्योंकि ये माइनस अपने आप में लोन पेयर है, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 और 2 4, तो आपको कहीं कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अब बताइए ये क्या हो गया, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2, 2 4 और 2 6, यानी कि SPDF P वाला, तो बताइए 6π इलेक्ट्रॉन वाला कंपाउंड क्या हो जाएगा, एरोमेटिक, ये एरोमेटिक है, हाँ या ना?
अगला नेक्स्ट, यहां पर प्लस लगा हुआ है, 2 प्लस 2 कितने हुए, 4, यहां कितने, 0, 4 इलेक्ट्रॉन्स यानी क्या हो गया आपके पास, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, जल्दी से बोल दीजिए, नॉन या एंटी, एंटी एरोमेटिक। अब बताइए कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, क्या हो गया ये, एरोमेटिक। थोड़ा सा और तरीके से कर लेते हैं बात, फ्री इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, 5 पाई इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा, नॉन एरोमेटिक, क्योंकि 4n और 4n+2 दोनों ही इवन थे, ये ऑड है और ऑड नॉन एरोमेटिक होते हैं। थोड़ा और आगे जाते हैं, 6 कार्बन पे जाते हैं, अरे वाह, शुरुआत यहीं से करी थी हमने, 6 पाई इलेक्ट्रॉन बेंजीन एरोमेटिक, समझ में आ रहा है। बताइए एंटी एरोमेटिक, क्योंकि इसके पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन, एंटी एरोमेटिक, हाँ या ना, क्लियर है कॉन्सेप्ट। ये क्या था आपके लिए, नॉन एरोमेटिक, ये नॉन एरोमेटिक है बेटा, कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, 2, 4, 6, ये मत देखो, पहले क्या देखो आप, sp3 हाइब्रिडाइज, मैंने आपको पहले जो चीज बोली है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, जल्दीबाजी में मत जाइए, ये क्या है, नॉन एरोमेटिक। धीरे धीरे हम बात आते हैं, पॉजिटिव चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, एरोमेटिक। एट पाई इलेक्ट्रॉन एंटी एरोमेटिक, सेवन पाई इलेक्ट्रॉन नॉन एरोमेटिक। तो नॉन एरोमेटिक से चालू हुए थे, इस कंपाउंड में नॉन एरोमेटिक तक पहुंच गए। माइनस का मतलब एक पूरा लोन पेयर, वो भी एटॉमिक ऑर्बिटल में होगा, वो भी पाई में ही काउंट होगा, क्यों, क्योंकि वो पाई बन रहा है बार बार हर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, इज दैट क्लियर। तो एटॉमिक ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन को काउंट करना है हमें, कुछ समझ में आई बात। चलिए ठीक है, लिख चुके हैं आप ये सब, इस कंपाउंड को देखिए आप, क्या लग रहा है आपको, बेंजीन है, एरोमेटिक,
बेंजीन एक इन हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, बेंजाइन। पक्का? कितने डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है, दो दो चार दो छः, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। मैंने आपको बताया भी था रेजोनेंस में अगर 2 पाई बॉन्ड हो तो पार्टिसिपेट एक ही करेगा, दो नहीं करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये बेंजाइन है, कितने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, दो दो चार दो छः, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो बताओ ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। तो एक पाई बॉन्ड आपका पार्टिसिपेट नहीं करेगा किस में, रेजोनेंस में, नॉट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। इन रेजोनेंस, हाँ बेटा, बेटा ये हम पहले मानते थे ये स्ट्रक्चर नहीं बनेगा क्योंकि एसपी हाइब्रिडाइज्ड है, लीनियर है, लेकिन प्रैक्टिकली ये प्रूव कर चुके हैं कि यहां पर बन जाता है, ठीक है, प्रैक्टिकली ये प्रूव हो चुका है कि ये कंपाउंड बन जाता है। तो क्योंकि एसपी हाइब्रिडाइज होने की वजह से तो ये लीनियर हो जाना चाहिए, ये बॉन्ड टूट जाना चाहिए। तो फिर साइंटिस्टों ने ये चीज और थ्योरी चेंज कर दी और कह दिया कि इस पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन ही होता है, इस कार्बन पे भी और इस कार्बन पे भी। अब मैं उनसे बहस तो नहीं करना चाहता इस पॉइंट को कि 2 पाई बॉन्ड है आप कैसे ले रहे हो, लेकिन प्रैक्टिकल डाटाज हैं इसलिए सही है वो। तो बताइए बेंजाइन में सारे कार्बन पे ही कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, ऑल कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड, एक्सेप्शन केस है, आपको याद ही रखना पड़ेगा। इसीलिए हम प्रैक्टिकल डाटास के ऊपर जाते हैं ना कि किसी भी थ्योरी के ऊपर। तो ऑल कार्बन ऑफ बेंजाइन आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, नीचे लिखेंगे इसके साथ। और कुछ पूछना है बेटा? हाँ, अगर ये कंपाउंड ऐसा होता और यहां पूछा जाता बताओ ये एरोमेटिक है या नहीं है, तो ये कंपाउंड आज तक मुझे नहीं मिला है, ठीक है, तो पूछने वाले ही बेवकूफी है। क्यों? क्योंकि sp हाइब्रिडाइज अनस्टेबल, अनस्टेबल इस जगह sp लीनियर होना चाहिए था, इतनी छोटी रिंग के अंदर ये चीज पॉसिबल नहीं हो पा रही थी। कुछ समझ में आया? तो जब अनस्टेबल है तो ऐसा कंपाउंड मिलेगा ही नहीं, अगर ये मिल जाएगा पूछ लिया जाए, अनस्टेबल ऑप्शन में नहीं होगा, फिर ये कंपाउंड क्या होगा, एरोमेटिक, ठीक है ना। तो इसका फर्स्ट आंसर तो अनस्टेबल जाएगा, सेकंड ऑप्शन आंसर जाएगा इसका एरोमेटिक, ये काउंट नहीं होगा, सिर्फ यही काउंट होगा, दो इलेक्ट्रॉन, स्टेबल एरोमेटिक होते हैं। अनस्टेबल इसलिए नहीं है कि ये एरोमेटिक है या अनस्टेबल, इसलिए क्योंकि ये sp हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है ना। तो यहां मैं अगर ये बन जाता तो मैं बोल देता ये भी sp2 है, फिर अपनी थ्योरी बनाने लग जाता, sp हाइब्रिडाइज्ड आर लीनियर, लीनियर कार्बन नॉट एग्जिस्ट इन स्मॉल रिंग, लीनियर कार्बन नॉट प्रेजेंट या नॉट एग्जिस्ट इन स्मॉल रिंग, तो ये आपके लिए बहुत सही पॉइंट था कि अनस्टेबल है तो ये बनेगा ही नहीं। जिस दिन बन जाएगा तो मेरे को मजबूरी में इस कार्बन को भी क्या मानना पड़ेगा, sp2, लेकिन अभी तक तो नहीं मिला मुझे, तो आगे भी नहीं मिलेगा। तो आपको ये पॉइंट समझ में आ गया, ओनली हाइड्रोकार्बन के अंदर हम बात कर रहे थे और हमने ये चीज बहुत अच्छे से कर लिया। कुछ अलग ही पॉइंट है, इस कंपाउंड के बारे में क्या कहोगे आप? इसको टोलुइन बोलते हैं, ये sp3 है, ये कौन सा कार्बन है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, बट नॉट द पार्ट ऑफ साइकिल, नॉट द पार्ट
ऑफ साइकिल। तो इसको भूल जाओ, हमें सिर्फ साइक्लिक ओनली लगाया था, ओनली साइक्लिक एटम। तो कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये बताइए एरोमेटिक होगा या एंटी एरोमेटिक? एरोमेटिक। कुछ समझ में आया बात? इस कंपाउंड्स को देखिए, जितने भी यहां पर बेंजीन वाले कंपाउंड आएंगे, बेंजेनोइड कंपाउंड्स हम बोलेंगे इनको, भले OH हो या बाहर OCH3 हो, बाहर वालों से मुझे यहां पर कोई लिंक नहीं नजर आ रहा, क्योंकि वो साइक्लिक का पार्ट नहीं है। ऑल आर एरोमेटिक, ये सब हमारे लिए क्या हो जाएंगे? एरोमेटिक। भले वो अपना लोन पेयर देने के लिए तैयार है, रेजोनेंस में आएगा उनका इलेक्ट्रॉन, लेकिन हमारे लिए साइक्लिक वाले ये होंगे। इज दैट क्लियर? कोई डाउट? अब बात आती है इस तरह के कंपाउंड्स की। क्या ये एरोमेटिक है? ये इंड्यूजल एरोमेटिक है, दोनों अलग अलग साइकिल है। तो यहां पर हम 6 पाई इलेक्ट्रॉन अलग काउंट करेंगे और 6 पाई इलेक्ट्रॉन अलग काउंट करेंगे। सेपरेट रिंग्स है, बोथ आर सेपरेट रिंग। ऐसा मत करना कि 6 प्लस 6 12 करके एंटी एरोमेटिक बना दो। क्यों? क्योंकि ये एक रिंग नहीं है, ये अलग अलग रिंग है। तो बोथ आर इंड्यूजल रिंग या सेपरेट रिंग, तो इंडिविजुअली काउंट करेंगे। और ये भी एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक, तो हम बोल सकते हैं डबल एरोमेटिक, डबल एरोमेटिक। इसका इससे कोई लिंक नहीं है। इज दैट क्लियर? तो ये कंपाउंड आपका क्या है? ये भी आपके लिए डबल एरोमेटिक है, क्योंकि इस रिंग का इस रिंग के बीच में कोई लिंक नहीं है। बीच में sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये रिंग अलग काउंट होगी, ये रिंग अलग काउंट होगी। तो कंबाइंड रिंग कब काउंट होगी? जब आपके पास कंपाउंड कुछ ऐसा हो। हम इसको इस तरह से बोल सकते हैं, देखिए ध्यान से, 2 2 4 2 6 7 8 9 10 एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक बताइए। एरोमेटिक, क्योंकि 2 2 4 2 6 7 8 9 10 10 पाई इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रही है बात? कोई डाउट? इस कंपाउंड को खुल के लिखते हैं थोड़ा और। ये कंपाउंड दो तरह की स्ट्रक्चर रखेगा, रेजोनेटिंग। एक ये जो आपने अभी हाल बनाई, एक ये, क्या ये एक ही कंपाउंड की दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है? हाँ या ना? पक्का? कोई दिक्कत नहीं है? ज्यादा स्टेबल कौन सी है? इस वाली। क्यों? देखो यहां पर भी बेंजीन रिंग है, क्योंकि ये एक ही कंपाउंड की दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो अलग अलग कंपाउंड नहीं है। पहले ही मैं बता देता हूं, दे आर नॉट डिफरेंट कंपाउंड। बस ये है मोर स्टेबल आरएस, आरएस का मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्यू टू
ड्यू टू बोथ रिंग शो 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये वाला इस कंडीशन में ये भी एरोमेटिसिटी शो करेगा, इसमें भी एरोमेटिसिटी शो करेगा, जबकि इसके अंदर लेस स्टेबल आरएस ड्यू टू सिंगल रिंग एरोमेटिसिटी। अगर कोई ये पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर स्टेबल कंपाउंड, तो वो गलत क्वेश्चन पूछ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर स्टेबल कंपाउंड, गलत पूछ रहा है, क्योंकि कंपाउंड दोनों एक है। उसे ये पूछना चाहिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड। ये एक ही कंपाउंड की दो अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो दो अलग कंपाउंड है ही नहीं, तो फिर हम क्यों बात करेंगे। आ रही है बात समझ में? तो इसी वजह से ये डबल बॉन्ड इस जगह रहना ज्यादा पसंद करेगा एज कंपेयर टू दिस। तो यहां पर डबल बॉन्ड करेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, ज्यादा होगी, यानी डबल बॉन्ड करेक्टरिस्टिक्स इज हाई, और यहां पर डबल बॉन्ड क्योंकि यहां रहेगा तो यहां नहीं रहेगा, तो डबल बॉन्ड करेक्टरिस्टिक्स डीबीसी इज लो। तो ये एक और पॉइंट हो गया आपका इस पॉइंट को समझाने के लिए। समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत नहीं है? तो ये आपके पास पूरा हाइड्रोकार्बन का चिट्टा हो गया। कुछ और कंपाउंड्स की बात करते हैं। पहले तो आपको समझ में आ गया ये, एक और स्पेशल पॉइंट्स आ रहा है केस। मेरे पास ये कंपाउंड था, क्या बोला जाएगा ये कंपाउंड? मैंने प्रैक्टिकल करा, मैं कुछ भी बोलने से पहले एक बार प्रैक्टिकल कर लेता हूं। मुझे पता चला हाईली स्टेबल कंपाउंड है, तब मैं किसकी तरफ मूव करने की कोशिश करूंगा? एरोमेटिक। कौन सी थ्योरी बनाऊंगा? एरोमेटिक। तो जो प्रैक्टिकल है मेरा हमेशा कंसेप्ट, कोशिश यही रहेगा कंसेप्ट उस डायरेक्शन में जाए जिससे प्रैक्टिकल डाटा ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फाई हो सके। मैंने कहा यह कंपाउंड हमेशा इस फॉर्मेट में रहता है, यहां पर क्या चार्ज लगाया जाए कि एरोमेटिक हो जाए, प्लस या माइनस? माइनस। और यहां क्या चार्ज लगाया जाए? प्लस। तो जब यहां माइनस और यहां प्लस लगेगा, समझ रहे हैं आप, तो ये कंपाउंड डबल एरोमेटिसिटी हो जाएगा। ये इंडिविजुअली अपने आप में ये एरोमेटिक हो जाएगा और ये भी हो जाएगा एरोमेटिक। तो सबसे पहला पॉइंट आपको क्या दिखाई दे रहा है? डबल एरोमेटिक, डबल एरोमेटिक। वैसे डबल एरोमेटिक नाम का कोई वर्ड नहीं होता, हम ही यूज करते हैं। हम इसलिए यूज करते हैं जिससे आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। कंपाउंड तो एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक होता है, हम ये बोल देते हैं इसमें डबल पार्ट में एरोमेटिसिटी जनरेट हो रही है, कंपाउंड एरोमेटिक है। तो एरोमेटिक। सेकेंड, समझ में आना बहुत जरूरी है। एक और पॉइंट हमारे पास आ रहा है कि यहां पर इस बॉन्ड में, यानी जो हमारे लिए कार्बन है एक्स की वैल्यू, मतलब ये बॉन्ड का नाम दे दिया हमने, ये C1 और ये C2। तो C1 C2 के बीच में कौन सा बॉन्ड आएगा? C1 C2 हैविंग सिंगल बॉन्ड करेक्टरिस्टिक, सिंगल बॉन्ड करेक्टरिस्टिक। जबकि आपको यहां डबल बॉन्ड दिया है, लेकिन प्रैक्टिकली डांटा क्या बताता है? SBC, SB का C का मतलब सिंगल बॉन्ड करेक्टरिस्टिक्स।
कोई दिक्कत आ रही है आपको समझ में? तीसरा पॉइंट, यहां पर जो रोटेशन बैरियर है वो क्या हो जाएगा? बिल्कुल मिनिमम। डबल बॉन्ड में रोटेशन बैरियर क्या होता है? बहुत ज्यादा। ट्रिपल बॉन्ड में और ज्यादा, और सिंगल बॉन्ड में सबसे कम। आसानी से किसी को एक हाथ से पकड़ लोगे तो घुमाना आसान होगा, दो हाथ से पकड़ लोगे तो मुश्किल होगा फोर्स। तो रोटेशन बैरियर इज वेरी लेस, रोटेशन बैरियर इज वेरी लेस, रोटेशन बैरियर क्या होगा? बहुत ही कम होगा। फोर्थ, रोटेशन बैरियर तो कम होगा ही, लेकिन अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड इस तरह का है जिसमें प्लस और माइनस चार्ज दोनों आसपास हैं, एक ही कंपाउंड में है, तो उसे बोलते हैं जीटर आयन। तो ये अबाउ कंपाउंड इज जीटर आयन। जीटर आयन, तो जीटर आयन की डेफिनेशन क्या है आपके पास? कंपाउंड इन विच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट कॉल्ड ज्विटर आयन। तो हमारे पास एक कोवलेंट कंपाउंड के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होना जीटर आयन को समझाता है। तो यहां पर एक वर्ड मिसिंग है, कोवलेंट कंपाउंड है तो कोवलेंट, इन विच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर प्रेजेंट इज कॉल्ड जीटर आयन। फिफ्थ, जीटर आयन होने से इसका डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा। डायपोल मोमेंट का मतलब होता है, डायपोल का मतलब होता है पॉजिटिव नेगेटिव, अलग अलग पोल होना। डायपोल का मतलब दो पोल, और अगर वो दो पोल बहुत पास पास हैं तो उसे, इसका मतलब क्या है? उसका डायपोल मोमेंट बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि डायपोल मोमेंट होता है चार्ज मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, और डिस्टेंस बहुत कम है, सिंगल बॉन्ड में आजू बाजू पे ही है। तो डायपोल मोमेंट ऑफ अबव कंपाउंड इज वेरी वेरी हाई, इज वेरी हाई। तो देखो, एरोमेटिसिटी तो बढ़ ही गई है, साथ में ये सारी प्रॉपर्टी भी लेके आ गया। तो एक तरह से हाइड्रोकार्बन है, दिख इतना आसान रहा है, लेकिन ये इस फॉर्मेट में रहता है। तो आप बोल सकते हो कन्वर्ट इन दिस फॉर्म और एग्जिस्ट इन दिस। तो क्या आपको ये समझ में आ गया कि ये कंपाउंड इस फॉर्मेट में आ जाएगा, और ये हमारे लिए जीटर आयन भी होगा, इसका रोटेशन बैरियर भी बहुत ऐसा होगा, कोई डाउट? तो हमारे लिए ये वाला पॉइंट बहुत अच्छा पॉइंट हुआ कि हमने इसको अच्छे से समझ लिया है, कोई डाउट नहीं। सेम चीज हमारे को यहां पर भी देखने को मिलेगी, कहां पर? जब बताइए क्या होगा, क्या टूटेगा, ये किस तरह से टूटना पसंद करेगा? और सेम प्रॉपर्टीज बन जाएगी इसकी भी, डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक अराउंड दिस बॉन्ड इज वेरी लेस, और दिस दिस दिस। हाँ, या ना, क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो ये तो रहा हमारे लिए ओनली हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड कंपाउंड्स, जो हमने बहुत ज्यादा अच्छे से डेप्थ में कर लिया है। पक्का अच्छे समझ में आ गया?
ओनली अगर हम बात करें यहाँ पर कि ओनली हाइड्रोकार्बन की तरह ही हम बात कर रहे हैं और एरोमेटिसिटी है, तो ठीक है, हमारे लिए बहुत इजी हो गया, अच्छे समझ में आ रहा है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही। तो एरोमेटिसिटी को भी हम यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक नॉर्मल एरोमेटिसिटी और एक क्वासी एरोमेटिसिटी। इसी के अंदर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा, एरोमेटिसिटी क्लासिफाइड इन फॉलोइंग टू टाइप्स। एक नॉर्मल एरोमेटिसिटी, और एक क्वासी एरोमेटिक। देखिए बहुत आसानी से मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये हमारे लिए नॉर्मल एरोमेटिक है, कोई चार्ज नहीं है, और यहां अगर हम बात करें तो ये नेगेटिव चार्ज है। दोनों ही एरोमेटिक है, नहीं है क्या? 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, क्या ये एरोमेटिक है? हाँ ये एरोमेटिक है। क्या ये एरोमेटिक है? हाँ ये एरोमेटिक है, लेकिन ये न्यूट्रल है। और ये कंपाउंड जो हमारे पास आ रहे हैं, भले इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, मैं बराबर पाई इलेक्ट्रॉन लेना भी चाहूंगा, तो मैं एग्जाम्पल ये वाला लेना चाहूंगा। अब सही है, यहां पर भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये भी एरोमेटिक है। तो यहां चार्ज की वजह से 6 पाई है, या बिना चार्ज की वजह से, तो फर्क क्या होगा? इफ चार्ज पार्टिसिपेट, चार्ज पॉजिटिव हो या नेगेटिव, पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, देन इट्स कॉल्ड क्वासी एरोमेटिसिटी। या आप बोल सकते हो यहां पर चार्ज इज प्रेजेंट। मैं सिंपल लैंग्वेज में बोल सकता हूं, इफ चार्ज पार्टिसिपेट इन एरोमेटिसिटी, देन इट कॉल्ड क्वासी एरोमेटिक, क्वासी एरोमेटिक। एंड इन दिस केस रेजोनेंस एनर्जी इज वेरी हाई, इज वेरी हाई, क्योंकि चार्ज डिलोकलाइज होता है ना, तो उससे स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ती है। आप मेरी बात ध्यान से सुनना, किसी में भी चार्ज होना अनस्टेबल है, हाँ या ना बोलो? यस, चार्ज होना अनस्टेबल है, ये बात तो मेरे दिमाग में। लेकिन अगर वो चार्ज अनस्टेबल से स्टेबल की तरफ जा रहा है ड्यू टू रेजोनेंस, तो उससे एनर्जी बहुत ज्यादा लिबरेट होगी, एनर्जी बहुत ज्यादा लिबरेट होगी। तो मैं ये नहीं कह रहा कि कौन सा कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है, मैंने ऐसा नहीं बोला है, मैंने ये बोला है किसमें ज्यादा एनर्जी लिबरेट होगी रेजोनेंस की वजह से। तो आंसर गोज टू क्वासी एरोमेटिक। कोई यहां से बहुत ऊंचाई से नीचे गिर रहा है, ग्राउंड फ्लोर पे नहीं गिर रहा, फर्स्ट फ्लोर पे गिर रहा है, एनर्जी बहुत ज्यादा लिबरेट करेगा। एक ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्टेबल है, सेकंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे आ रहा है, स्टेबल है, तो उसमें इतनी ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी नहीं होगी। समझ में आ रहा है? तो जब भी चार्ज डिलोकलाइजेशन होता है तो रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होती है, क्योंकि चार्ज होना ही अपने आप में क्या है? अनस्टेबिलिटी है। और वो भले ही फिर फाइनल पोजीशन पे हो सकता है ये ज्यादा स्टेबल हो, क्योंकि न्यूट्रल है, न्यूट्रल तो हमेशा ज्यादा स्टेबल होते हैं, लेकिन ये न्यूट्रल की वजह से है, न्यूट्रल से न्यूट्रल रहा है, ये चार्ज डिलोकलाइजेशन हुआ है, तो रेजोनेंस एनर्जी किसमें ज्यादा होगी? दस।
पक्का आपको अभी भी नहीं समझ में आया, मैं समझा देता हूँ, मैं सिंपल सा बात करता हूँ, मैं इस कंपाउंड के बारे में बात करता हूँ, ये नेगेटिव चार्ज और ये, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है बहुत ज़्यादा है। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं है। जबकि दूसरी तरफ यहाँ माइनस भी लगाना पड़ेगा, दूसरी तरफ डिफरेंस कम है, ये भी न्यूट्रल था ये भी न्यूट्रल है। समझ में आ रहा है? तो इन दोनों में ये गैप ज्यादा है, तो यहां लिबरेटेड एनर्जी ज्यादा होगी। मैं इन दोनों की स्टेबिलिटी पे कमेंट नहीं कर रहा हूं आपको, मैं फिर बार बार बोल रहा हूं, मैं इन दोनों की स्टेबिलिटी पे कमेंट नहीं कर रहा हूं, मैं तो ये बताने चाह रहा हूं कि इसमें रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी, और रेजोनेंस एनर्जी उसमें ज्यादा होती है जो हाईली अनस्टेबल रहता है। समझ में आ रहा है? कोई डाउट? तो वो चीज ज्यादा लिबरेट एनर्जी करेगा। दो आदमियों को लॉस हुआ, एक मुझे हुआ और एक बिल गेट्स को हुआ, दोनों परेशान थे, बताओ किसको ज्यादा लॉस होगा? बिल गेट्स को। क्यों? क्योंकि जो आदमी बहुत ज्यादा पैसे वाला है उसको लॉस ज्यादा ही होगा, जो ज्यादा अनस्टेबल है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा तेजी से चेंज होती है। कोई डाउट नहीं है? श्योर लॉट्स? तो ये हमारे पास क्लियर है। ये कहना हो कि कौन ज्यादा स्टेबल होगा, तो मैं तो न्यूट्रल को हमेशा ज्यादा स्टेबल मानता हूं, किससे? कैटायन या एनायन से। लेकिन मुझसे क्वेश्चन ही अलग पूछा जा रहा है, मुझसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है किसमें रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा लिबरेट होगी, कौन ज्यादा रेजोनाइट होगा, या किसमें वही वाला कौन ज्यादा रेजोनाइट होगा, यानी कि किसमें रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी। तो मैं सिंपल सा बोलूंगा इसमें, तो आपका क्वेश्चन क्या है वो अलग है, न्यूट्रल अदरवाइज अगर आप पूछ रहे हो कौन ज्यादा स्टेबल है तो न्यूट्रल को हमेशा ज्यादा मानूंगा मैं, कैटायन एनायन थोड़ी ना घूमते रहेंगे। इज दैट क्लियर? तो क्या ये क्वासी एरोमेटिक है? हाँ। क्या ये ज्यूटर आयन है? नहीं। ज्यूटर आयन क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये आपके पास पॉइंट क्लियर होने चाहिए। अब अगला पॉइंट, आपने बहुत सही पॉइंट्स पकड़े, क्या एरोमेटिक का हम क्लासिफाइड करना चाहेंगे? एक हमने हाइड्रोकार्बन कहा, अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं, जिसमें कार्बन हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर हैलोजन सब आएंगे, बुला लो सबको। समझ में आ रहा है? तो सेकेंड टाइम्स हमारे पास हो जाएगा वापस, और वो हो रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी एरोमेटिसिटी इन एरोमेटिसिटी इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। जिसके अंदर कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन है, या कुछ भी हो सकता है, या बोरोन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, हैलोजन है, कुछ भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? और एडिशन भी हो सकते हैं। तो ये सारे कंपाउंड्स हम एरोमेटिसिटी को देखते हुए बता रहे हैं। तो सबसे पहले आपने शुरुआत करी एग्जाम्पल फर्स्ट से, क्या ये एरोमेटिक है? नहीं। ये कैसा है? नॉन एरोमेटिक। हाँ या ना? पहले आप इसको बनाने थे, अब अगर आपने यहां पर बोरोन लगा दिया, क्या लगा दिया? बोरोन। तो बोरोन का मतलब क्या है? सी प्लस। क्या ये एरोमेटिक है? हाँ। अब खुद दिमाग लगाओ क्यों है, क्योंकि बोरोन का मतलब सी प्लस। यहां नाइट्रोजन लगा दिया, अब क्या होगा? सी माइनस हो गया, एंटी एरोमेटिक। कहीं कोई दिक्कत आ रही है? अच्छा, यहां ऑक्सीजन लगा दिया, नाइट्रोजन के पास तो एक ही लोन पेयर था, इसके पास दो हैं, तो अब बताओ क्या होगा? ये अगेन ये भी एंटी एरोमेटिक, क्योंकि दो और दो चार दोनों हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है? तो ये एक लोन पेयर ही पार्टिसिपेट करेगा, एक नहीं करेगा, तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? यहां पर भी 4 पाई इलेक्ट्रॉन, यहां पर भी हमारे पास कितने होंगे? 4 पाई इलेक्ट्रॉन, यहां पर भी हमारे पास कितने होंगे? बोरोन है खाली है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, यहां पर कितने होंगे? यहां रेजोनेंस ही नहीं है, नो रेजोनेंस। तो
ये हमारे बहुत सारे एग्जांपल्स आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कार्बन बढ़ा लेते हैं, चलिए ये बढ़ा लिया अपन ने, नॉन एरोमेटिक पढ़ चुके थे। लेकिन मैंने क्या करा, एक तरफ बोरोन लगा दिया, यहां पर भी बोरोन लगा दिया। क्या लग रहा है आपको, बोरोन का मतलब कार्बन प्लस, एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक, समझ में आ गई बात। अब बताइए यहां बोरोन यहां नाइट्रोजन, क्या लगेगा आपको, सी माइनस हो गया ये सी प्लस। ओ को भी आप क्या लेते हो, सी माइनस की तरह ही ट्रीट करते हो, बोलो हाँ ना, यस। तो ये क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। अच्छे समझ में आ गया, अब क्या करोगे आप, एरोमेटिक, क्योंकि दो दो चार दो छः, पक्का अब आप क्या करोगे, एरोमेटिक। सही है, क्या ही है, एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक, डबल एंटी एरोमेटिक, ये भी पार्ट और ये भी पार्ट। अब बताइए ये एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है, इसका एक पार्ट एरोमेटिक है और एक पार्ट एंटी एरोमेटिक है, तो क्या बोलूं मैं, मेरे पास तीन ऑप्शन है, एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक। जोर से बोलो, मैं इसको एंटी एरोमेटिक बोलने की कोशिश कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि एक भी पार्ट में अगर एंटी एरोमेटिक हो गया तो वो वाला पार्ट तो अनस्टेबल हो गया, समझ में आ गया, तो कुल मिला के वो कंपाउंड ही अनस्टेबल हो जाएगा, समझ में आ रहे। आपके 32 दांत हैं, एक भी दांत खराब रह गया तो और बात ऑलमोस्ट आप यही कहोगे ना कि आपकी 32 ही खराब है, ठीक है, तो ये एंटी एरोमेटिक होगा भले ही आधा पार्ट कुछ भी हो। हाँ, अगर एक पार्ट में एरोमेटिसिटी और दूसरे पार्ट में नहीं, एक पार्ट में एरोमेटिसिटी और अदर पार्ट में आपके नॉन एरोमेटिसिटी है तो क्या बोलोगे, एरोमेटिक बना लो, वो भी बना लो। अब ये कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक। चलिए चलते हुए आगे बढ़ते हैं हम, पांच कार्बन पे जाते हैं हम और यहां बोरोन लगा देते हैं, यहां ऑक्सीजन लगा देते हैं, यहां नाइट्रोजन लगा देते हैं, क्या लगता है आपको क्या होगा ये, देखिए मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, इसको सी प्लस की तरह ट्रीट करेंगे, करेंगे या नहीं करेंगे, दो दो चार और फोर पाई इलेक्ट्रॉन, दो दो चार, इसके पास दो लोन पेयर है, एक लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा तो कितना हो जाएगा, सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन, एक करेगा
और एक नहीं करेगा। यहाँ दो दो चार और दो छः, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। एरोमेटिक होगा या नहीं होगा? होगा। यहाँ दो दो चार दो छः, क्या इसको काउंट करेंगे? नहीं। अगर किसी एटम के पास भले लोन पेयर भी हो और पाई बॉन्ड भी हो, तो पाई बॉन्ड फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी, फिर लोन पेयर को नहीं करेंगे। दो लोन पेयर है तो एक, दो पाई बॉन्ड है एक, एक पाई बॉन्ड एक लोन पेयर है तो भी एक, तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे? दो दो चार दो छः, दो दो चार दो छः, छः। तो बताइए ये एरोमेटिक, ये एरोमेटिक, ये एरोमेटिक और ये नॉन एंटी एरोमेटिक। कोई समझ में आई बात? लॉक कर दें, चलते रहे, बहुत सारा है। यहां ऑक्सीजन, यहां नाइट्रोजन, क्या लगता है आपको कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? दो दो चार दो छः दो आठ, 8 पाई इलेक्ट्रॉन। नॉन और एंटी, लोन पेयर भी है, लेकिन क्योंकि ऑलरेडी पाई बॉन्ड है तो वो लोन पेयर काउंट नहीं किया जाएगा। दो दो चार छः, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, एरोमेटिक। यहां हमारे पास बिल्कुल सही है, मुझे यहां पर बोरोन, एक तरफ मैंने नाइट्रोजन, एक तरफ बोरोन, फिर नाइट्रोजन, फिर बोरोन, फिर नाइट्रोजन। जितने भी बोरोन है उन पे माइनस चार्ज और जितने भी नाइट्रोजन है उन पे प्लस चार्ज लगा दो। सही है, तो बोरोन पे माइनस चार्ज है, कितनी वैलेंसी होगी? चार, एक दो तीन, और बची हुई किससे होगी? हाइड्रोजन से। तो आपकी हाइड्रोजन सबसे अटैच्ड है। अब ये बताइए कि ये एरोमेटिक होगा या एंटी एरोमेटिक? माइनस प्लस माइनस प्लस। तो पहले तो ये बताइए किसके पास लोन पेयर है? किसी के पास भी नहीं है। बोरोन माइनस के पास लोन पेयर होता है क्या? नहीं। और नाइट्रोजन प्लस के पास होता है क्या? नहीं। तो ये कंपाउंड में कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ये कंपाउंड कैसा होगा? एरोमेटिक, क्योंकि बिना कार्बन के आ रहा है। हद होती है, हेडिंग तो कार्बन लगना जरूरी था लेकिन नहीं आ रहा, तो ये कहलाएगा हमारे लिए इनऑर्गेनिक बेंजीन। बिना कार्बन वाली बेंजीन, बेंजीन जैसी स्ट्रक्चर है। इज दैट क्लियर? समझ में आया? लिखें इसको। एरोमेटिसिटी हम देख रहे हैं और हमने बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिनमें एरोमेटिक पढ़ लिया है कि ये एरोमेटिक होगा या नहीं होगा। उसमें हमने ये देखा, सबसे पहले नॉर्मल कंपाउंड्स के बारे में बात किया, फिर हम उसी को आगे देखते हुए कुछ अलग अलग कंपाउंड्स के बारे में एरोमेटिसिटी बात कर रहे थे। ठीक है, हमने वो कंपाउंड भी देख लिए जिसमें साइक्लिक थे और साइक्लिक के अंदर एक ऑक्सीजन या नाइट्रोजन था, हाँ या ना? तो उसी को आगे लेते हुए कुछ अलग तरह के एरोमेटिक कंपाउंड्स पे भी हम डिस्कस करेंगे कि गिवन कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है। उस पॉइंट पे आते हैं हम बाद में। एरोमेटिसिटी इन बिग साइक्लिक कंपाउंड, हेडिंग डाल लीजिए एरोमेटिसिटी इन बिग साइक्लिक कंपाउंड। बिग साइक्लिक कंपाउंड देखिएगा, ये बिग साइक्लिक का मतलब है क्या? ये मेरे पास एक साइक्लोहेक्सेन है अभी तक तो, ठीक है। मैंने यहां पर यहां बना दिया एक और, ठीक है, सब साइक्लोहेक्सेन बना रहा हूं मैं अभी तक तो, इस तरह से।
आप बना लेंगे ना? इस तरह से एक बहुत बड़ा मैंने स्ट्रक्चर बना दिया, दिख रहा है आपको? अब ध्यान से देखना सामने, मेरे पाइबोन यहां पर है अल्टरनेट पोजीशन पे, एक फिर छोड़ दिया जाए, दो फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर इस जगह, फिर इस जगह, फिर इस जगह और इस जगह। आ रही है बात समझ में? तो एक तरह से सरकमफेरेंस पे मेरे पास कंटिन्यू कॉन्जुगेशन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? दो, दो चार, दो छह, दो आठ, 10, 12, 14, 16। एक बार और करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है? बीच में हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइज है, लेकिन सरकमफेरेंस पे हमारे पास कंटिन्यू कॉन्जुगेशन है और 18 इलेक्ट्रॉन है और वो एरोमेटिसिटी फॉलो कर रहे हैं। तो क्या यहां पर हम इसको एरोमेटिक बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? तो ये एक अपने आप में प्रैक्टिकल डाटाबेस, ये एरोमेटिक शो कर रहा है, यानी काफी स्टेबल है और एरोमेटिसिटी रखता है। तो हमें अब यहां पर क्या बोलना चाहिए? एरोमेटिक तो बोलेंगे क्योंकि डाटाज वही है, लेकिन क्या थ्योरी बना सकते हैं? हम ये बना सकते हैं कि अगर कोई बड़ी रिंग है और बीच में उसके अंदर sp3 हाइब्रिडाइज है, ये sp3 हाइब्रिडाइज है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन बिग रिंग्स सरकमफेरेंस हैविंग कॉन्जुगेशंस एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर sp(df), यानी कि वही 4n+2, देन इट्स कॉल्ड एरोमेटिक। यस और नो? तो यहां हमारे पास लिखेगा इन बिग रिंग, वेरी बिग रिंग स्ट्रक्चर, हैविंग पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशंस, पाई बॉन्ड कंप्लीट कॉन्जुगेशंस, कंप्लीट कॉन्जुगेशंस ऑन सरकमफेरेंस और बाउंड्री, बाउंड्री ज्यादा सही रहेगा आपके लिए, बाउंड्री ऑफ कंपाउंड, बाउंड्री ऑफ बिग रिंग। ब्रैकेट में मे बी पॉसिबल दैट sp3 कार्बन प्रेजेंट इन इनर पार्ट ऑफ रिंग ये कंडीशन है, कोई दिक्कत नहीं है। बाउंड्री के अंदर आपके पास कॉन्जुगेशन है एंड टोटल पाई इलेक्ट्रॉन ऑन बाउंड्री आर 4n+2 इलेक्ट्रॉन, देन से एरोमेटिक, एरोमेटिक कंपाउंड। हम इसको एरोमेटिक कंपाउंड ही बोलेंगे। तो ये हमारे पास एक और पॉइंट हो गया, एरोमेटिसिटी इन ऑर्गे बिग साइक्लिक कंपाउंड, ठीक है? एरोमेटिसिटी इन बिग साइक्लिक कंपाउंड। एक और हम बात कर रहे हैं यहां पर, एरोमेटिसिटी इन स्पेशल केस, देखिए ये स्पेशल केस क्या है हमारे पास? फर्स्ट
यहां ऑक्सीजन है, यहां पर क्या है? ऑक्सीजन है। ध्यान से सुनिएगा, ये ऑक्सीजन इस फॉर्मेट में रहेगी, ओ माइनस, बोलो यस और नो। तो ये कंपाउंड डबल बॉन्ड या तो ये रहेगा या इसी फॉर्मेट में रहेगा। अगर ये इस फॉर्मेट में रहता है तो ये क्या रहेगा? एंटी एरोमेटिक। और इस फॉर्मेट में रहेगा जहां ये चार्ज ही नहीं है, सिर्फ डिलोकलाइजेशन हो रहा है इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स का, तो ये यहां पर क्या रहेगा? नॉन एरोमेटिक। तो ये बॉन्ड कभी भी इस तरह से ब्रेक नहीं होगा, कुल मिला के ये एरोमेटिक तो नहीं है। कोई समझ में आया आपको? तो या तो ये इस फॉर्मेट में रहेगा या, लेकिन जब एंटी एरोमेटिक बन ही नहीं सकता, स्टेबल ही नहीं हो सकता, तो ये कंपाउंड इसी फॉर्मेट में रहेगा लेकिन कभी भी एरोमेटिक नहीं बनाएगा। तो कब बना सकता है? जब यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही कम हो और बॉन्ड ब्रेक हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, इससे कम कहां होगी? इसी को सोचना है, CH2 है, सही है। क्या ये कंडीशंस हो सकती है इसके अंदर? कि यहां पर हमारे पास माइनस चार्ज आ जाए और यहां पर प्लस चार्ज आ जाए। हाँ, तो इस कंडीशन में ये ज्यादा रहने की कोशिश करेगा क्योंकि यहां पर एरोमेटिक है। और यहां तो ये नॉन एरोमेटिक ही रहेगा, तो ये एरोमेटिक बनने की कोशिश करेगा। नॉन एरोमेटिक, तो ये फटाफट इस तरह से लाने की कोशिश करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड, कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी हैं जो ये हैं, अभी ये क्या है? नॉन एरोमेटिक, लेकिन ये कोई भी एक्टिव मेटल के साथ है। या फिर बेस ले लीजिए, ये अपना एच दे देते हैं, एच प्लस दे देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस आ जाएगा। हाँ या ना? तो ये हमारे पास नॉन एरोमेटिक है और यहां पर ये एरोमेटिक है, तो ये हमारा एक तरह से माइनस एच प्लस, एच प्लस निकाल देते हैं और एरोमेटिक में कन्वर्ट होते हैं। तो क्या ये आसानी से कन्वर्ट हो जाएंगे? हाँ, क्योंकि माइनस आ रहा है। लेकिन अगर इसी की जगह कोई ऐसा कंपाउंड होता जो 3 कार्बन या 7 कार्बन का होता और वो एच प्लस देता, तो उसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते? 4 या फिर 8, तो फिर वो रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती। क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है? हाँ। आ रही है बात समझ में? तो अगर आपसे ये पूछा जाता है इस क्वेश्चन में, व्हाट इज द नेचर ऑफ प्रोडक्ट, इस पे नहीं कमेंट करा, व्हाट इज द नेचर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, आप आंसर देंगे एरोमेटिक। तो ये कुछ एग्जांपल है जो आपको अच्छे से आने चाहिए, करिए इसको। ये कुछ एग्जांपल है जिसके अंदर हमें बताना है कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है, ठीक है? फटाफट, तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक है? नहीं। कैसा दिख रहा है आपको? नॉन एरोमेटिक। हाँ या ना? ये कंपाउंड आपको क्या रहेगा? क्या ये एरोमेटिक होगा? नहीं। तो आप इसको किस कैटेगरी में रखेंगे, एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक? इसको आप एरोमेटिक तो नहीं बोलेंगे, तो मैं इसको नॉन एरोमेटिक या फिर एंटी एरोमेटिक में रखूंगा, ठीक है? तो इसकी नॉन एरोमेटिक फॉर्मेट में रहेगा, ठीक है? रुक जाओ, नहीं, क्योंकि ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो ये क्या बनेगा? यहां पर प्लस और यहां क्या रखेगा? माइनस। बोलो यस और नो, थोड़ा सा डिस्कस करो। तो प्लस, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये क्या बनेगा? एरोमेटिक। हाँ या ना? ये एक एरोमेटिक रहेगा। ये जो बॉक्स बना है इसका मतलब माइनस है मेरे, ठीक है? तो ये माइनस है, तो बताइए ये एरोमेटिक होगा या नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक? एंटी एरोमेटिक, 2 और 2 4,
तो ये एंटी एरोमेटिक है, हाँ या ना? ये हमारे लिए क्या है? एंटी एरोमेटिक। ये हमारे लिए क्या रहेगा? दो इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक। ये हमारे लिए क्या रहेगा? दो और दो चार एंटी एरोमेटिक। ए ए का मतलब एंटी एरोमेटिक। ये हमारे लिए क्या रहेगा? नॉन एरोमेटिक। ये हमारे पास क्या रहेगा? दो दो चार दो छः एरोमेटिक। ये हमारे पास क्या रहेगा? दो दो चार दो छः एरोमेटिक। जब एक से ज्यादा पाई बॉन्ड हो तो हम एक को ही काउंट करते हैं, या सुनो। तो ये सारे एग्जाम्पल आपको समझ में आ गए, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। चलिए देखते हैं और बाकी एग्जाम्पल्स। ये कंपाउंड आपको क्या दिखाई दे रहा है? दो दो चार दो छह सात आठ नौ दस एरोमेटिक, श्योर? तो एरोमेटिक। ये किस तरह से रहेगा? ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहां प्लस यहां माइनस, किस तरह का रहेगा ये? एरोमेटिक। जब बाउंड्री में एरोमेटिसिटी चेक करनी हो तो बस सिर्फ बाउंड्री पे देखते हैं कॉन्जुगेशन। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, क्या लग रहा है आपको? एरोमेटिक। ये कंपाउंड एरोमेटिक है, बीच वाले काउंट नहीं होंगे। ये भी अपना अच्छा एग्जाम्पल है, आप लिख सकते हैं। इस तरफ देखिए, दो दो चार और दो छः, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हुए? सिक्स। किस तरह का जाएगा ये? एरोमेटिक। यहां देखिए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, कैसा रहेगा ये? एरोमेटिक। लॉक कर दे, पाई बॉन्ड ज्यादा नहीं काउंट करना है, सिर्फ एक ही करना है। सात दो चौदह, यानी कि एरोमेटिक है। दो दो चार और दो छह, एरोमेटिक। लॉक कर दे, बोलो यस। तो ये कंपाउंड भी आपके पास क्या है? एरोमेटिक है। नेक्स्ट, कुछ और हमारे पास कंपाउंड्स आ रहे हैं जिसके बारे में आपको बताना है। क्या लगता है यहां पर कैसे काउंट करेंगे? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, एरोमेटिक। ये बॉन्ड इस तरह से ब्रेक होगा और यहां पर क्या होगा? प्लस माइनस। टू फोर सिक्स एरोमेटिक, और ऊपर वाला भी एरोमेटिक। यहां हमारे पास चेक करना है दो दो चार दो छह सात आठ नौ दस, लेकिन ये जो सी एच टू की वजह से, अच्छी बात है, यहाँ कोई ज़्यादा खास दिक्कत नहीं आएगी। और ये भी हमारे लिए क्या हो जाएगा? दो दो चार दो छः सात आठ नौ दस एरोमेटिक। ये भी हमारे लिए एरोमेटिक होगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट्स? हाँ बेटा, बाउंड्री पे काउंट किया है। इसको हम और अच्छे से करेंगे एक बार, और सिर्फ बाउंड्री पे काउंट किया है। इस कंपाउंड को देखो, ये कंपाउंड दिखने के लिए है लेकिन ये नॉन प्लेनरी, ये एक्सेप्शन में हमें पढ़ना पड़ेगा जो आपके नोट्स में है लिख लिया। तो एंड ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? नॉन प्लेनर, लिखना पड़ेगा आपको नॉन एरोमेटिक। और ये भी आपके पास नॉन प्लेनर है, ये भी नॉन एरोमेटिक, नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है, और वो तो दिख ही रहा है नॉन एरोमेटिक, हाँ या ना? तो ये पॉइंट ध्यान रखना, ये नॉन प्लेनर है जबकि ये एक प्लेनर है, लिख लीजिए। देखिए, हमने एरोमेटिसिटी किया है, अब एक और टॉपिक हमारा इंतजार कर रहा है, एरोमेटिसिटी इन क्यूमुलिन, मेटिसिटी इन एनुलिन, क्यूमुलिन एनुलिन। ये एनुलिन है क्या हमारे लिए? आप जानते हैं एनुलिन होती क्या है? एनुलिन की डेफिनेशन क्या है? इन द साइक्लिक स्ट्रक्चर, साइक्लिक रिंग,
डबल बॉन्ड आर प्रेजेंट ऑन अल्टरनेट पोजिशन, या फिर आप बोल सकते हो आर प्रेजेंट ऑन कॉन्जुगेशन। कॉल्ड क्यूमुलिन, सॉरी यार एनुलिन। एनुलिन तो आप जानते हो, क्यूमुलिन क्या होता है? क्यूमुलिन में तो सारे कार्बन डबल बॉन्डेड से जुड़े होते हैं, ये होता है क्यूमुलिन, और ये होता है एनुलिन। सबसे छोटी एनुलिन आपके पास होगी ये वाली, फोर कार्बन, क्योंकि ये तो दिखते ही ओपन चेन है, तो ये तो क्या हो गया, क्यूमुलिन तो नॉन एरोमेटिक, पक्का ये तो नॉन एरोमेटिक है। क्यूमुलिन और एनुलिन की में थोड़ा सा फर्क है, ये है एनुलिन अल्टरनेट में है, इसको बोलेंगे हम फोर कार्बन एनुलिन। फिर आती है सिक्स कार्बन एनुलिन, फिर आती है एट कार्बन एनुलिन, फिर आती है टेन कार्बन एनुलिन, फोर कार्बन, सिक्स कार्बन, एट कार्बन, टेन कार्बन एनुलिन। ये हमारे पास हो गया, ये जो आपको दिखाई दे रही है इसकी सही स्ट्रक्चर ये नहीं है जैसा दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये बिल्कुल सही नहीं है, ये अपने आप में कुछ अलग ही तरह से रहती है, यानी कि नॉन प्लेनर है। ये आपके पास ये भी नॉन प्लेनर है, क्यों है ये नॉन प्लेनर? क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एक से रिपेल करते हैं, तो एक तो पीछे की तरफ चल जाता है और एक आगे की तरफ चल जाता है, तो ये हमारे पास हो गया 10, पक्का। तो ये सारी एनुलिन है, तो बताइए ये प्लेनर है या नॉन प्लेनर है? ये तो प्लेनर है, ये प्लेनर है, तो नॉन प्लेनर को तो देखते ही आप क्या बोल दोगे, एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक? नॉन एरोमेटिक, तो ये नॉन एरोमेटिक है, ये भी नॉन एरोमेटिक है, ये क्या लगेगा, प्लेनर है और हकल रूल को फॉलो कर रहा है, एरोमेटिक, और ये यहां पर प्लेनर है और फोर पाई इलेक्ट्रॉन है, फोर पाई इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये क्या होता है, एंटी एरोमेटिक, सही है। लेकिन कुछ खास तरह की एनुलिन भी है जिसको हम एनुलिन ना बोले तो ये अच्छा है, वो ये है, अभी तक तो एनुलिन दिख रहा है लेकिन ये CH2 है। अब यहां पर रिपल्शन नहीं होगा, या मैं यहां पर नाइट्रोजन अटैच कर देता हूं, समझ में आ रहा है? तो ये ड्यू टू सिंगल एटम, यहां पर ये जो हाइड्रोजन है तो आउट ऑफ द प्लेन है, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इन दैट केस नो रिपल्शन, इन बिटवीन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये वाले हाइड्रोजन
क्योंकि ये अब आपके लिए ऊपर और एक इस तरह है, बिल्कुल इस तरह से कार्बन में, तो उससे कोई फर्क है ही नहीं, प्लेन के अंदर है ही नहीं। तो यहाँ हमारे पास ये कंपाउंड प्लेनर होगा, और अगर ये प्लेनर होगा तो आप देख रहे हो सरकमफेरेंस यानी बाउंड्री पे पूरी जगह पाई इलेक्ट्रॉन का कॉन्जुगेशन है, और वो भी कितने हैं, 10 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या कंपाउंड हो जाएंगे, दोनों ही एरोमेटिक, बोथ आर एरोमेटिक, ये भी और ये भी। क्लियर है कॉन्सेप्ट्स? तो हमने कुछ तरह की एनुलिन करी है, लिख लीजिए।